नवरात्रि के 9 दिन हर किसी के लिए बेहद खास होते हैं। साल भर में 2 बार माता रानी नवरात्रि में लोगों के घर में पधारती हैं। उदय तिथि के आधार पर इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 को शुरू हो चुकी है। इसका समापन 23 अक्टूबर को होगा और 24 अक्टूबर को दशमी तिथि पर विजयदशमी मनाई जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों के लिए माता रानी की आराधना की शुरुआत हो जाती है। अगर आप इन नवरात्रि में मां दुर्गा को खुश करना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के इन खास 9 दिनों में आप माता रानी को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं। इन चीजों को आप आसानी से घर में भी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले दिन में आप माता रानी को क्या दे सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन आप माता रानी को कलाकंद का भोग लगा सकते हैं। गाय के दूध से बनी मिठाई माता रानी को काफी ज्यादा पसंद आती है। दूसरा दिन नवरात्रि के दूसरे दिन आप माता ब्रह्मचारिणी को चीनी से बने पंचामृत का भोग लगाकर उन्हें प्रसाद के तौर पर बांट सकते हैं। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की पूजा में आप दूध से बर्फी बनाकर इनका भोग लगा सकते हैं। इसको प्रसाद में बांटना भी काफी सही विकल्प हो जाता है। चौथा दिन माता कुशमांडा का भोग लगाने के लिए आप घर पर मालपुआ बना सकते हैं। इसे बनाना बेहद आसान होता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता को वैसे तो केले का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो केले की फलाहारी चाट बना सकते हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी को पान का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आप घर पर पान की खीर बनाकर इसका भोग लगा सकते हैं। सातवां दिन नवरात्रि के सातवें दिन अगर गुड़ से बनी मिठाई का भोग आप माता कालरात्रि को लगाएंगे तो इससे माँ जरूर प्रसन्न होंगी। आठवां दिन नवरात्रि के अष्टमी के दिन माता महागौरी को आप नवरात्रि की बर्फी का भोग लगा सकते हैं। माता रानी को नारियल से बने पकवान काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और आखिरी में नौवां दिन नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि महानवमी के दिन माता सिद्धिरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन सूजी का हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाना सबसे शुभ माना गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।